आज का हमारा पार्ट सिक्स है और इसका नाम है भारतीय संस्कारा, ठीक है ना। तो प्रस्तुत पाठ में जो है ना, पहला पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा मेरी, प्रस्तुत पाठ जो है भारतीय संस्कारा में विभिन्न प्रकार के संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो चैप्टर है वो है भारतीय संस्कारा, तो सीधी सी बात है कि इसमें संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है ना। यहां पर यह ध्यान देना है कि भारत धर्म प्रधान देश है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको। धर्म की प्रधानता के कारण ही यहां जन्म से मृत्यु पर्यंत अनेक प्रकार के संस्कारों से संस्कारित होना पड़ता है। तो ये इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपको जितने भी संस्कार हैं वो सारे संस्कारों के बारे में बताई जाएगी, संस्कारों का क्या हमारे जीवन में महत्व होता है इसके बारे में बताई जाएगी, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चे, जो संस्कार होते हैं अगर आपके पास संस्कार आएंगे तभी आपके पास अच्छे विचार आएंगे, ठीक है ना। अब जो विचार अच्छे होंगे तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, ठीक है, और आपका जब व्यवहार अच्छा होगा तो आपका खूब प्रचार होगा, ठीक है ना, जिससे आपका व्यापार बढ़ेगा और आपका जो भी सपना है वो क्या होगा, सपना आपका साकार होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये बताया आपको कि इस पाठ में भारतीय संस्कारा जो पाठ है हमारा, इसमें संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मानव जीवन में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। वैसे तो संस्कारों के जो प्रकार बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन कुल संस्कारों की जब संख्या पूछी जाएगी बच्चे तो आपको बोलना है कि 16 है। जैसे में आप यहां से बोल सकते हैं कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ठीक है ना। यहां से भी एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो आपको बताना है कि 3 संस्कार होते हैं, ठीक है ना। एक पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान है। गर्भाधान में क्या होता है कि जब जीव जो होता है वो मां के गर्भ में आ जाता है तो ये गर्भाधान की जाती है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है पुंस्वन होता है, उसमें क्या होता है कि गर्भ के भीतर तीसरे महीने में पुत्र की प्राप्ति के लिए विधि विधान की जाती है, ठीक है ना। तीसरा जो संस्कार है वो होता है आपको सीमंतोनयन, ये भूत प्रेत से बचने के लिए किया जाता है। तो हमने ये बताया आपको कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ठीक है ना, ये बच्चे जरूर याद रखें आप, ठीक है। कौन कौन होता है, गर्भाधान होता है, पुंस्वन होता है और एक सीमंतोनयन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे अब बात करते हैं शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। एक नंबर से यह भी पूछा जाएगा कि जन्म से पूर्व कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है ना, और शैशवावस्था में कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अब 6 संस्कार जो शैशवावस्था में होते हैं उसे भी आप समझ लीजिए। पहला जो होता है इसमें जो होता है वो जात कर्म होता है, ठीक है ना। हमने 4th नंबर इसमें डाल दिया है। वैसे आपने 3रा नंबर जो 3 तक ने आपने संस्कार पढ़ा जो कि जन्म से पूर्व संस्कार थे, ठीक है ना, ये आपका शैशवावस्था में जो संस्कार होते हैं 6, इनकी हम आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता है जात कर्म। जात कर्म में क्या होता है, तो जात कर्म में जो होता है वो बालक के जन्म के अवसर पर ये मतलब ये संस्कार होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो शैशवावस्था में जो अगला संस्कार है वह है नामकरण। इसमें क्या होता है बच्चे, जन्म के 10वें दिन बच्चे का नाम होता है, ठीक है ना। तो ये हमने बताया आपको कि नामकरण में क्या होता है। इसके बाद जो अगला संस्कार आता है शैशवावस्था के वो निष्क्रमण होता है। तो निष्क्रमण में क्या होता है कि जब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है इसमें, ठीक है ना, तब जाके ये संस्कार की जाती है। इसके बाद शैशवावस्था के अगला संस्कार है अन्न ग्रहण। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा को पहली बार अनाज चखाया जाता है तो ये संस्कार कराई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद शैशवावस्था के अगला संस्कार होता है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म में क्या होता है, जब बच्चा पहली बार बालक को मतलब कि पहली बार बालक को क्या किया जाता है, मुंडन कराया जाता है। तो हमने बच्चे ये बताया आपको कि शैशवावस्था में कुल 6 संस्कार होते हैं। एक नंबर में ये जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एक होता है जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न ग्रहण और चूड़ा कर्म, ठीक है ना। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि चूड़ा कर्म जो होते हैं वो किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि कब कराई जाती है। तो आपको ऑप्शंस रहेगा तो उसके हिसाब से आपको लगाना है कि शैशवावस्था में ये संस्कार कराई जाती है, चूड़ा कर्म, चाहे अन्न ग्रहण, चाहे निष्क्रमण हो, चाहे वो नामकरण हो, चाहे वो जात कर्म हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद एक और होता है ना कर्णवेद, छह संस्कार होते हैं इसमें। तो कर्णवेद जो होता है इसमें बच्चा का क्या होता है, प्राण छेद आ जाता है, तो यह भी एक संस्कार होता है बच्चे, ठीक है ना। तो हमने ये बताया आपको कि जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म और कर्णवेद, ये छह के छह संस्कार जो होते हैं वो शैशवावस्था के में माने जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के, तो शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं, पांच संस्कार होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि देखो जन्म से पूर्व तीन संस्कार होते हैं, ठीक है ना, और शैशवावस्था में पांच संस्कार होते हैं, ठीक है। तो पांच तीन आठ हो गए, छह संस्कार होते हैं शैशवावस्था में, तो छ तीन नौ हो गया, और शिक्षा के पांच संस्कार होते हैं, तो नौ और पांच कितना हो जाएगा बच्चे, चौदह हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, शिक्षा के पांच संस्कार होते हैं, जिसमें से शिक्षा के जो संस्कार में आता है सबसे पहला संस्कार वो होता है अक्षरारंभ। अक्षरारंभ को विद्यारंभ भी बोला जाता है, ठीक है ना। जब बच्चा अक्षर लेखन तथा अंक लेखन शुरू करता है तब ये संस्कार कराई जाती है। इसके बाद शिक्षा के अगला संस्कार होता है उपनयन। उपनयन में क्या होता है बच्चे की जनेऊ धारण किया जाता है, गुरु के आश्रम में जाना होता है, तब ये संस्कार कराई जाती है। इसके बाद शिक्षा का अगला संस्कार होता है वेदारंभ। वेदारंभ में क्या होता है, वेदों का ज्ञान शुरू होता है, ठीक है ना, बच्चे का गुरु के आश्रम में गया होता है और वेदों का ज्ञान शुरू होता है। तो ये वेदारंभ जो होता है वो भी शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक होता है किसान संस्कार, ठीक है ना। तो शिक्षा का जो अगला संस्कार है वो है किसान संस्कार। तो इसमें क्या होता है कि गुरुकुल से जब वो बच्चा विदा होने के दौरान इसमें क्या होती है कि बाल दाढ़ी मूछ इसके काटे जाते हैं किसान संस्कार में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें गाय दान भी दी जाती है गुरु को, ठीक है ना। तो हमने ये बताया कि किसान संस्कार को ही गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है और ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना बच्चे। तो अभी हमने ये बोला आपको कि शिक्षा के पांच संस्कार होते हैं, जिसमें हमने एक आपको बताया अक्षरारंभ जिसे हम विद्यारंभ बोलते हैं, एक होता है उपनयन, एक होता है वेदारंभ, एक होता है केशांत, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, किसान संस्कार को ही गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और है कि प्राचीन काल में शिष्य को ना, यानी विद्यार्थी को ना ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता था, यानी ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। तो ये ब्रह्मचारी वाला प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्राचीन काल में शिष्य को किस क्या कहा जाता था, तो आपको बोलना है कि ब्रह्मचारी, ठीक है। इसके बाद शिक्षा का सबसे अंतिम संस्कार होता है, वो होता है समावर्तन संस्कार। अब बच्चे ये जान जाते हैं कि समावर्तन संस्कार में क्या होता है। इस संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है, ठीक है ना। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उपदेश में प्राय मानव धर्म की शिक्षा दी जाती है, जो गुरु होते हैं अपने शिष्य को मानव धर्म की शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। मानव धर्म की शिक्षा देने का क्या मतलब है बच्चे, सत्य बोलो, धर्मानुकूल आचरण करो, यानी धर्म के अनुकूल आचरण करो, अपनी विद्वता पर यानी अपनी ज्ञान पर कभी घमंड मत करो, ऐसी ऐसी जो है तय मानव धर्म की शिक्षा गुरु के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बोला कि शिक्षा के शिक्षा में कुल मिला के पांच संस्कार होते हैं, शैशवावस्था में जो होते हैं संस्कार वो होते हैं आपको छह, ठीक है, और इसके बाद जो आपका जो जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं वो होते हैं तीन। तो जन्म से पूर्व तीन संस्कार हो गए, ठीक है, और शैशवावस्था में छह संस्कार हो गए और शिक्षा के पांच संस्कार हो गए। तो कुल कितने संस्कार हो गए बच्चे, छ तीन नौ और नौ पांच चौदह, ठीक है ना, कुल मिलाकर सोलह संस्कार होते हैं। तो ठीक, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, पंद्रह नंबर पे आता है आपका विवाह संस्कार, ठीक है। विवाह संस्कार के बारे में मैंने क्या लिखा है, तो देखो विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो विवाह संस्कार जो होता है इस ये होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में क्या होता है, आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया। यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि किस संस्कार को पवित्र संस्कार कहा जाता है, तो विवाह संस्कार को, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है ये भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसका वजह ये है कि इसमें अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे आप देखो वाकदान होता है, मंडप निर्माण होता है, ठीक है ना, विवाह के दौरान वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, वर वधु का निरीक्षण होता है,
कन्यादान भी विवाह संस्कार में होता है, अग्नि की स्थापना होती है विवाह संस्कार में, पाणी ग्रहण भी विवाह संस्कार में होता है, धान के लावे से हवन भी विवाह संस्कार में होता है, सप्तपदी अर्थात पति के साथ पत्नी का अल्पना पर पैर रखना भी विवाह संस्कार के अंतर्गत ही होता है, सिंदूर दान भी विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। तो इतने सारे मतलब की चीजें है, इस वजह से हम कहते हैं कि विवाह संस्कार सबसे पवित्र संस्कार है, ठीक है ना। विवाह संस्कार प्राय सभी जगह समान रूप में ही आयोजित होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिविजन करा देता हूं कि जन्म से पूर्व तीन संस्कार होते हैं बच्चे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। जन्म से पूर्व तीन संस्कार होते हैं, उसके बाद जो शैशवावस्था में संस्कार होते हैं वो छह होते हैं, ठीक है ना, और शिक्षा के पांच होते हैं और एक होता है विवाह संस्कार, तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर होता है 15। तो एक और संस्कार बच रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी याद करते हैं हम लोग। एक होता है अंत्योष्टि संस्कार, ये क्या होता है बच्चे, यह सबसे अंतिम संस्कार होता है जो मरणोपरांत होता है। यह एक ऐसा संस्कार है जो कि मरने के बाद होता है, मरणोपरांत का मतलब होता है मर जाने के बाद होता है। कौन सा संस्कार है, अंत्योष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार मानव को इन 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत ये 16 संस्कारों का विधान है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो अब हम एक एक प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना, इसी वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल आपका ये है कि भारतीय संस्कार में से कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो चरित्र का जो निर्माण होता है वो होता है संस्कार से होता है, ठीक है ना। चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जन्म से जो पूर्व होता है वो, जन्म से जो पूर्व बच्चे होता है वो तीन संस्कार होता है, और शैशवावस्था में जो होता है वो होता है आपका 6 संस्कार होता है, और शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं, और एक होता है आपका विवाह संस्कार और एक होता है आपका अंत्योष्टि संस्कार, ठीक है ना। तो हमने ये सारी चीजें जाना, कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो संस्कारों का प्रकार पूछे तो जन्म से पूर्व, शैशवावस्था और शिक्षा के संस्कार, विवाह के संस्कार और अंत्योष्टि संस्कार। इस तरह से यहाँ इस साइड में देखें तो 5 और लेकिन इस साइड की ओर देखें तो 16, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, शैशव संस्कार जो होते हैं वो होते 6 होते हैं, ठीक है ना, तुम 6 पर मार देंगे। अगला मेरा प्रश्न ये है कि अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। सभी बच्चों को पता है कि ये जो संस्कार होता है ये मर जाने के बाद होता है, ठीक है ना। तो ये तीसरा का आंसर सी हमारा हो जाएगा। चौथा नंबर मेरा प्रश्न है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। तो मैंने बोला भी है ना, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगला है कि पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो ये बच्चे विवाह संस्कार में होता है। विवाह संस्कार सबसे पवित्र संस्कार माना गया है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे यहाँ बताई जाती है कि विवाह संस्कार जो होते हैं सबसे पवित्र संस्कार होते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के कर्म कांड होते हैं, ठीक है। अगला मेरा सवाल ये है कि संस्कार कितने होते हैं। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 16, ठीक है ना, तो हम 16 पर मार देंगे, संस्कार 16 होते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं। तो जब इस तरह से प्रश्न आया और यहाँ पर आपको 16 नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे समझिए कि एक होता है जन्म से, जन्म से मतलब कि पूर्व जो होते हैं वो तीन संस्कार होते हैं, ठीक है ना। तो एक ये जन्म से पूर्व हो गया, फिर इसके बाद होता है शैशवावस्था के संस्कार होते हैं, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, उसके बाद होता है शिक्षा के संस्कार होते हैं। तो एक ये हो गया शिक्षा वाला, इसके बाद होता है विवाह। तो एक ये हो गया और इसके बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो इस तरह से हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार देखा जाए तो 5 होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था। तो ये सीधी सी बात है कि हम वरिष्ठों का आशीर्वाद जो है बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार के अंतर्गत होता है या किस संस्कार में होता है। तो मैंने बोला भी है कि सप्तपदी हो, वाकदान हो, है ना, मंडप निर्माण हो, तो ये सारे के सारे विवाह संस्कार में होते हैं, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है 10 नंबर कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि केशांत संस्कार का है, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। सारे बच्चे जानते हैं कि विवाह संस्कार के अंतर्गत ये आता है, ठीक है ना।
12 नंबर है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार जो बच्चे होते हैं वो होता है समावर्तन। क्या होता है? समावर्तन। 13 नंबर प्रश्न ये है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है बच्चे। वाकदान तो आता ही है, कन्यादान भी आता है, सिंदूर दान भी आता है, लेकिन गोदान नहीं आता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आराम से लगाइएगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्लेलिस्ट में मैंने शुरू से हर एक चैप्टर संस्कृत के प्लेलिस्ट बनाकर डाला है, उसमें आप जाकर जरूर देखें, पीछे वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो। ठीक है ना, शैक्षणिक संस्कारक कति संति, यानी शिक्षा के कुल कितने संस्कार है। तो शिक्षा के कुल मैंने आपको पहले भी बोला कि जन्म के तीन है, जन्म के पूर्व तीन है, और शैशवावस्था में छह है, और शिक्षा के जो संस्कार है वो पांच है। ठीक है ना बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीमंतु नयन किस संस्कार का, मतलब किस संस्कार, किस प्रकार की संस्कार है। तो सीमंतु नयन बच्चे जो होता है वो जन्म से पूर्व संस्कार होता है। ठीक है ना, अगला मेरा सवाल ये 16 नंबर कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ये मैंने आपको नोट्स में भी बताया है। ठीक है ना, अगला मेरा प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो ये संस्कारों से होती है बच्चे। ठीक है ना, किससे होती है? संस्कारों से होती है। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? मैं कई बार बोल रहा हूं कि जन्म के पूर्व जो संस्कार है वो तीन संस्कार माने गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो ये विवाह संस्कार के पूर्व ये गलती है, उपनयन संस्कार ये भी गलती है, ये विवाह संस्कार के साथ ही मतलब कि प्रवेश करता है। ठीक है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो ये प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। धन्यवाद।